लर्नर्स पॉइंट को आपण मानक स्वागत। आज आलोचनार विषय हूँ एस एस बी पिजिटी जो पेपर टू आमर रही यूनिट फोर जो थी कि आमपाई आलोचनार विषय रही ब्रजनाथ बड़जेना साहित्य गोपाल कृष्ण साहित्य बनमाली दास भीम भोई साहित्य संपर्क आम आलोचना तेज आज आम देखा ब्रजनाथ बड़जेना साहित्य मान संपर्क तेज आपण मैंने जानते ब्रजनाथ बड़जेना समर्थ रंग ठू आरंभ कर विशिष्ट रचना रही चतुर विनोद जहाँकि गद्य साहित्य बहु भाव परिचित तेज ता संपर्क आलोचना करवा। आलोचना पूर्व आम अन्य यूनिट गुड़ाक जमीक पेपर वन यूनिट फोर पर्यंत पेपर टू यूनिट थ्री पर्यंत आलोचना कर सारी जदि आपलोचना गुड़िक देखी ना तेज निश्चय देखी निगुड़िक आपण मान परीक्षापी बहु उपयोगी हे एस एस पी जि टी ओडिया एन टी यू जि सी ओडिया सांगे आम पाखे वर्तमान एस एस बी पी जि टी जो मॉक टेस्ट जदि खाली आपने जॉइन करा चाहते अवेलेबल अच्छे जदि आपने जॉइन करवाक चाहते तेज कमेंट बॉक्स में मत निश्चय जनातु कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप आम सहित जॉइन करूँ एवं मत जनातु तेज एवं आम आलोचना करवा ब्रजनाथ बड़जेना साहित्य संपर्क में। तो प्रथमतः ब्रजनाथ बड़जेना समय कथा जदि आम देखा तेल 1730 1800 समय जन्मस्थान हूँ ढेंकादा राजदत्त उपाधि हूँ बड़जेना पूर्व से थे पटनायक परवर्त समय से राजा बड़जेना उपाधि पाई तेज रचना मानक संपर्क में केलिकला निधि समर्थ रंग इत्यादि रही हिंदी रचन रही गुंडीचा विजय संस्कृत रचन मनोदूत ताब देखा। तो प्रथमतः ब्रजनाथ बड़जेना निजर परिचिति तथा निज रचना मानक परिचिति सी कहते बस सी कौ प्रकार कवि थिले कौन लिखी थिले कौन सी जानी थिले से सब जिनस सी निजे ही लिखिंटर गोटे कविता रही राजसभा से कवितार सी लिखुंटे वर्तमान जिते गुण करी गोसाई शुण संस्कृत प्राकृत हिंदुस्तानी बंगला तेलंगी भाषार किसी एरूपे गीत करी चौपदी चौतीसा विविध लीला छंद बोली पोई प्रबंध दंडक चूर्णक आदि शिकार बंध अक्षर नियम अंबिका विलास नाम कुमार चरित शिव उमा विवाह छंदश्लेष अनुप्रास अक्षर अवनान्यास शृंगार कुतुक रस संदर्भ उह अलंकार काव्य लक्षण प्रश्नोत्तर भंगी अर्थ बहु भाषण से लिखुं गौरव करमु यह कहूना मात्रे महा राजम कर्तव्य अनुसार करी नाम श्याम रासोत्सव बार छंद एतालव्य सकारे बोली रास लीला को इच्छि विचक्षणा पंदर छंद ब बा बी बु बे बई बो बौ क्रमे प्रबंध ए उत्तारु पट्टलेखा गुणता छामुरे देखा करिदे अच्छे थी दिव्यावधाने कागज तालपल्लव बांशकच कड़ा आओ बौल बीजरे लिखी अच्छी जतने लुहा बांश चित्रकलम तीनिठार शक्ति जाणी करिछि श्रम। तो यही वर्णना सी दौंट निजर राजसभा कवित यह मन रख जे निजर रचना संपर्क निजर कृति कलाकृति संपर्क से वर्णना कौथे दीर राजसभा कवि तापर देख तर रचना मानक जदि मानने विभागीकरण आम करवा विभिन्न प्रकार रचना रही जमीती सी कौन लिखिंट ना समर साहित्य जहाँकि हूँ समर्थ रंग हिंदी रचना जहाँकि हूँ गुंडीचा विजय गद्य साहित्य जहाँकि हूँ चतुर विनोद काल्पनिक साहित्य जहाँकि रही विचक्षणा विदेशानुचिंता केलिकला निधि इत्यादि वैष्णव साहित्य भितर रहा दशपोई गोपी विलाप गोपी विलास राम रासोत्सव तापर रही पौराणिक साहित्य अंबिका विलास एवं प्रशस्तिमूलक रचना भितर रही कौन ना राजनंकु छलोक्ति एवं राजसभा। तो ये आम जो राजसभा विषय आलोचना कले जो कवित लेखा संपर्क रही कहली से एक प्रशस्तिमूलक साहित्य तेज ए समय मानक देखने तेज कवि जन्म मुझे आगे कहली 1730 मसीहा विचक्षण रचना तापर चतुर विनोद यही दुई रचना हूँ 1755 रु 1765 यही 10 वर्ष मध्य रचना सेमती हिं रहा केलिकला निधि विदेशानुचिंता यह सब हूँ 1765 रु 1770 मध्य रचना सेमती अंबिका विलास जोड़ार कि समय मानने अंबिका विलास रहा दशपोई रहा चंडीमालश्री रहा गोपी विलाप रहा श्याम रासोत्सव रहा यह सब रचना हूँ 1770 रु 1780 मध्यर तापर तर समर तरंग जोड़ा कि 1781 मसीहा राजनंकु छलोक्ति जोड़ा कि 1790 मसीहा राजसभा जोड़ा कि 1790 आउ 91 मसीहा यही मध्य रचना गुंडीचा विजय हूँ 1791 रु
1798 ମଧ୍ୟର ରଚନା ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏବେ। ତ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କବିତା ରହିଛି ବା ଛୋଟିଆ କବିତା ରହିଛି, ତାର ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ବିଚକ୍ଷଣା ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କର ରଚନା ରହିଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ। ତେବେ ତମମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବ ଯେ ଯେଉଁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ରହିଥିଲା ସେଥିରେ କେତେ ଛାନ୍ଦ ରହିଥିଲା ବା ତାର ଛାନ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ତାର ଉତ୍ତର ତମମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେବ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ ଆଦ୍ୟାନୁପ୍ରାସରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ରହିଛି, ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏହାର ବହୁ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥିଲା। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଏକ ପୌରାଣିକ ମହାକାବ୍ୟ। ବ୍ରଜନାଥ ଆଳଙ୍କାରିକତାରେ ଅଧିକ ଅଗ୍ରସର ହୋଇକି ଏଥିରେ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ନା, ବ ବା ବି ବୁ ବେ ବୈ ବୋ ବୌ ଏଇଭଳିଆ ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣଯୁକ୍ତ ପଦ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ବିଭିନ୍ନ ଛାନ୍ଦର ସମବାୟରେ ସିଏ ଏଇ ବିଚକ୍ଷଣା କାବ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କ'ଣ କେବଳ ବ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଏଥିରେ ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ମାତ୍ରାର ବ୍ୟବହାରରେ ବ ସଂଯୋଗରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର କ'ଣ ବିଚକ୍ଷଣା। ବିଳାସବତୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଯିଏକି ରହିଛନ୍ତି ବୀରବର ଏବଂ ରାଣୀ ବିନୋଦିନୀଙ୍କର କନ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ବିଚକ୍ଷଣା। ସିଏ ଅସାମାନ୍ୟ ରୂପ ଓ ଗୁଣବତୀ ଥିବାରୁ ତାର ଅନୁରୂପ ବର ଘଟଣା ହୋଇନପାରୁଥିଲା ବେଳେ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବ୍ରଜ ସଦନ ନଗରର ରାଜା ଯିଏକି ରହିଛନ୍ତି ବସନ୍ତ ତିଳକ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବ୍ରଜମୋହନର ସନ୍ଧାନ ମିଳିବା ପରେ ଦୂତ ପ୍ରୟାଣପୂର୍ବକ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବିଧିବିଧାନ ସହ ବିବାହ ସମାପନ ଓ ବରକନ୍ୟାର ମିଳନ ପରେ ରାଜପୁତ୍ରର ବିଦେଶ ଗମନ ଯୋଗୁଁ ବିଚ୍ଛେଦ ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଚକ୍ଷଣାର କଥାବସ୍ତୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ଯେଉଁ କାବ୍ୟଟିର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ତେବେ ଏଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା, ବିବାହ ଉତ୍ସବର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଚିତ୍ର, ମଧୁସଜ୍ୟା ରାତ୍ରି, ତତ୍ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଭିନ୍ନ ଋତୁରେ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ରତିକ୍ରୀଡ଼ାର ବିବରଣ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବ୍ରଜନାଥଙ୍କର ସ୍ୱକୀୟ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ସେମିତି ଏହାର ତୃତୀୟ ଛାନ୍ଦରେ କନ୍ୟା ଗୃହକୁ ବରର ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଧୃବେଶ, ସାମରିକ କଳାକୌଶଳର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ସେ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ କବିତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠ ବହନ କରିଥାଏ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ସମରସଜ୍ୟାର ସେ ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସହିତରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଦୁର୍ଲଭ ମନେ ହେଇଥାଏ ଆମକୁ। ତାର ଏ ଯେଉଁ କବିଆଳ ଯେଉଁ ପୁଷ୍କଳ ବିନ୍ୟାସ ସ୍ୱକୃତ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ କାବ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ତରଙ୍ଗରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସାଧନ କରିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଚକ୍ଷଣାରେ କବିଙ୍କର ରଚନା ପାଠବର ଯତ୍ ସାମାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା। ତେବେ ଶୋଭାଯାତ୍ରିକ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗତିଭଙ୍ଗୀର ପରିଚୟ ସିଏ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖ କେତେ ମାନେ ମଜାଦାର ରଚନା ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବାଳ କାହାର ଝୁରୁ ଝୁରୁ ଉଡ଼ୁଛି ଦୂରୁ, ଦେଖିଲେ ତାକୁ ମାଡ଼େ ଡର, ବାଞ୍ଚେ କିଏ ଚିରା ମାରି ଆଣ୍ଠୁରେ ଝାଡ଼ି ଫରି ହାଣୁଛି ନାନା ପରିସର, ସେ ବାଜୁଅଛି ଲମ୍ବକା କର୍ଣ୍ଣେ ନିଶ ଯୋଡ଼ି ବାଇଶି ଆଙ୍ଗୁଳକା ଦାଢ଼ି, ବାଟ ଯାକରେ କେହୁ ନାଟ କରିଣ ଓହୁଁ ଉର୍ଦ୍ଧୁ ଗୀତ ଯାଉଛି ଝାଡ଼ି ସେ, ଏଇଭଳିଆ ବର୍ଣ୍ଣନା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ବିବାହର ସମସ୍ତ ବିଧିବିଧାନ ଏ କାବ୍ୟରେ ସରସ ଆଉ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି। କନ୍ୟା ବିଦାୟ କାଳରେ କନ୍ୟା ପିତା ବରପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସୂତା ଦେଇ ହେଲୁ ଆମ୍ବେ ଶରଣାତେ କହିବାରୁ ବରପିତା ପୁଣି ସେଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରତିସମ୍ଭାଷଣ ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲୁ ଆମ୍ଭେ ବୁଝିଲେ ଆମ୍ଭକୁ କୃତ କଲ ଦେଇ ସୂତାବିତ ବ୍ରଜମୋହନକୁ ସୂତ କରିପାଇଲା। ତ ଦେଖ ତମମାନଙ୍କୁ ଏଇଠୁ କେଉଁଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ମିଳିପାରେ, ଏଇଭଳିଆ ପଦ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇପାରେ ଆଉ ଏଇଠି ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରଜମୋହନ କିଏ ବୋଲି ପଚରାଯାଇପାରେ। ତ ତମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଇପାରେ ଯେ ନାୟକ ବା ଏମିତି, ବା ନହେଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇପାରେ ଏଇ ବ୍ରଜମୋହନ କେଉଁ କାବ୍ୟର ଚରିତ୍ର। ତ ତମମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ସର୍ ଦେବାର ଥାଏ କ'ଣ ନା ବିଚକ୍ଷଣା, ଏଇଭଳିଆ ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି ହୋଇପାରେ ଯଦି ଡିପ୍ ତିଆରି ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଆଳଙ୍କରିକତା ଓ ସ୍ୱାଭାବିକତାର ସମନ୍ୱୟରେ ଏଇ ବିଚକ୍ଷଣା କାବ୍ୟର ରଚନା ବିଚକ୍ଷଣ ରଚନା ପାଠବର ନିଦର୍ଶନ ବହନ କରିଥାଏ। ସେମିତି ହିଁ ଦେଖର ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ କେଳି କଳାନିଧି ରଚନା ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରଜନାଥ ଲେଖିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଜନଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯେତେବେଳେ କି ଢେଙ୍କାନାଳର ରାଜା ତ୍ରିଲୋଚନ ମହେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରାଜସଭାରେ ଯମକ ଓ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଧାନ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ରହିଛି ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି ତା'ର ବିଶେଷ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥାଏ। ତ ବ୍ରଜନାଥ ସେଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି ଆଉ ଆଲୋଚନାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ରାଜା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଣ୍ଡିତବର୍ଗ ଆମର ଜଣେ ରାଜଭାଇ କି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାବ୍ୟମାନ ରଚନା କରିନାହାନ୍ତି। ତ ବ୍ରଜନାଥ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଆସ୍ଫଳନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିପାରିବେ ବୋଲି ସିଏ ସଦମ୍ଭେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାରି ଅନୁଯାୟୀ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ପରେ ସେ ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି ଅନୁରୂପ ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା କେଳି କଳାନିଧି
काव्य। तो तुमको यूँ गोटे प्रश्न मिलपे जो उपेन्द्र भंजकर क्यों काव्य अनुरूप केलिकलानिधि रचना बैजनाथ केलिकलानिधि उपेन्द्र भंजकर क्यों काव्य अनुरूप तो मन रखी था ताकि कौन प्रेम सुधानिधि। तो जो केलिकलानिधि काव्य प्रेम सुधानिधि काव्यर छाचरे निर्मित हेले हे ब्रजनाथ रचनार पाटवर वैशिष्ट्य धारण करिथाय। भंजकवि काव्यर नाम दिछन्ते प्रेम सुधानिधि अर्थात कौन प्रेम रूपक पूर्णचंद्र किंतु ब्रजनाथ बड़जेना नाम दिछन्ते केलिकलानिधि अर्थ प्रेम लीला रूपक प्रेमचंद्र। ये गोटे पार्थक्य आमर रही। तापरे सी एथिरे कहउछन्ते जे चंद्र होउछन्ति षोल कलार आधार एवं सी हेइथिबारु उभय कवि सेमानंकर काव्यटिकु षोल छांदरे संपूर्ण करिछन्ति। ठीक तो प्रेम सुधानिधि काव्यर पंचदश छांद उपेन्द्र भंजकर एक चमत्कार अलंकारिक सिद्धि। यह छांदटी द्विपाद विशिष्ट कोड़ीएटी पदरे रचना करा जाइछि। तो कौन मन रखिबे समस्ते ना प्रेम सुधानिधि काव्यर पंचदश छांद उपेन्द्र भंजकर गोटे चमत्कार अलंकारिक सिद्धि और से छांदटाकु द्विपाद विशिष्ट कोड़ीएटी पदरे रचना करछन्ति। तबे प्रत्येक पाद चौदह अक्षर बसाण हेतु चालीसटी पादर समुदाय अक्षर संख्या पाँच षाठी एवं प्रथम अक्षर ठारु पाँच षाठीतम अक्षर पर्यंत पढ़ीजे जदि तेबे जहाँ हेब पाँच षाठीतम अक्षर ठारु प्रथम अक्षर पर्यंत पढ़ीगले अबिकल ताहा ही हेइथाय। तो एभलिया गोटे वैशिष्ट्य नेकि रचना करछन्ति आमर रचयिता केलिकलानिधि। ठीक तो ब्रजनाथंकर जो चित्रकाव्यगत यह एक अत्यंत कष्टसाध्य बंध बोली आमे कही था चित्रकाव्य बंध दो आम पढ़ी उपेन्द्र भंजकर से भाया गोटे कष्टसाध्य बंधर व्यवहार सीए कर तेरे ब्रजनाथंकर जो केलिकलानिधि चतुर्दश छंद यही आदर्श से निर्माण कर एथिरे मध्य से पाँच षाठी अक्षर बसाण कर अवश्य प्रत्येक पाद कोड़ी अक्षर विशिष्ट होइछि। प्रेम सुधानिधिर जो प्रथम मानने जो रचना रही प्रेम सुधानिधिर प्रथम छांद ठू आरंभ कर षोल छांद विभिन्न प्रकार विषय वर्णना रही विषय एत अधिक डीप आमको प्रश्न आसवनी से तार आम आलोचना करवानी। एवं आम देखा श्याम रासोत्सव रचना तो समसामयिक तथा तो पूर्ववर्ती कवि जी की रही दीनकृष्ण उपेन्द्र भंज भूपति पंडित लोकप्रिय काव्यकृति को अनुकरण करी सही काव्यगत रचना शिल्पर विशेषत्व प्रदान मानने प्रदर्शन करवा ब्रजनाथ स्रष्टा मानस आद्यकालीन संकुप्त अभिलाष था। तेरे तारी अनुजाई सी से भाया गोटे काव्य रचना करोटा कि तालव्य स आद्यानुप्रास संबलित श्याम रासोत्सव यह हेउछि तांकर श्रेष्ठ कृति मध्य। तो तमानंकु ब्रजनाथंक लेखा संपर्क प्रश्न आसला बेलकु ए श्याम रासोत्सव प्रश्न आसीबार चांसेस बहुत अधिक अछि मन रखिबे समस्ते। तो एई जो ग्रंथटीर विषय चित्र आमको श्रीमद् भागवतर दशम स्कंधर जो गोपलीलार रास पंचाध्याय को आश्रय कर रचना होती। तेबे आमे समस्ते जेतेबेले भागवत संपर्क आलोचना करथिले मु तमानंकु कहिथिलि जे जो गोपलीला रहिछि मत आम देखी जे दशम स्कंदर दुईट लीला रही गोपलीला एवं द्वारिका लीला। तो जो गोपलीलार विषय रही कौन आम रचना मानने तीस रु चौतीस अध्याय पर्यंत गोटे विषय रही जहाँ कि रास पंचाध्याय कहुए। तो से रास पंचाध्याय विषय को लेकिन लिखिंट आम ब्रजनाथ श्याम रासोत्सव दीनकृष्णकर जो रसकल्लोल संक्षिप्त रूपे एवं भूपति पंडित प्रेम पंचामृत विशद रूपे श्रीकृष्ण रासलीला वर्णना होते ब्रजनाथ श्याम रासोत्सव यह लीला को समधिक कवित्वपूर्ण हृदयगाय रूप प्रदान करते। तेरे द्वादश छांद समन्वित यह काव्य तो तुमको ये मन रखिबार अच्छे काव्यटी बारटी छांद रही। तेरे बहु माने उपजीव्य बहु परिचित हेले हे नाटकीय उपस्थापना भक्ति चातुर्य प्रकृति चित्रर बलिष्ठता जो एक सर्वोपरि आयास साध्य तालव्यस वर्णाद्य पद संयोजना हेतु पंडित और ग्राहक मंडलीर गौरव अनुभूत होता है। तेरे यही काव्य विभिन्न स्थल कवि आपण को वयोवृद्ध जनईले हे अन्य एकाधिक कृति में यह ग्रंथर उल्लेख कर मध्यवयसर रचना बोली ग्रहण करा तेरे कवि जो परमार्थिक चिंता काव्यर शेष छांद प्रकाशित होवि व्यक्ति जीवन कथनचित आभास आमको देखापी मिलता है। तो यहाँ मानने संपर्क अल्प आलोचना वो संपर्क जानापी आमको यही पदटी मिली था कि उपादान जमीती कि सी कहते देख शिशु द्वारा धन विषय तन्मन होइला अधम शिला आश्रय कला हीरा छाड़ी है मायारे विभ्रम। तो यह वर्णना रही देख तर रचना रही दशपुई जहाँकि वर्णना विषय कौन रही बसंत समय
राधा जमुनारु जल आणिबाकु जाइ श्रीकृष्णंकु भेट होइछन्ती। राधांकर रूप माधुरी कृष्णंक हृदय रे मिलन लिप्सा जागृत करिछि। ऋतुराज बसंत मलयानील चंद्रज्योत्स्ना और पिकर पंचमालाप कृष्णंक ठारे राधा संभोग कामनार दाबानल जलाइ देछि। तेबे दूती जाइछि राधांक अनिच्छा प्रकाश रे निराश होइ फेरि आछि। तेबे अनन्य उपाय श्रीकृष्ण अधर रे मुरली धरी राधा राधा रटिछंती। शेषरे बंशीर उच्चाट नादरे काम विगलिता राधा कुंज द्वार रे उपनीत होबा परे राधामोहन आनंद विहुलत अवस्था रे चाटु रचना पूर्वक काम केली रे प्रवृत्त होइछंती। तेबे एई भलिया गुडे रचना हमगु देखिया गु मिलिछि, सेथिरे कविंकर वर्णना को भलिया रहिछि। देख कल्पलता पल्लवीला त मनमथ रथ मंडिला ब्रह्मजाति हीरा हेला शाण सुंदर तथा से रामावर हेलारु रुचिर चिर मानस मोह मंदिर मूर्ति जहार श्याम पाशु मागी मेलाणी चलिला पुरक द्विती संगे तरुणी। तेबे जो दशपुईर श्रृंगारतम विषय बा श्रृंगारात्मक विषय चित्र आमर गोपी बिला परे उग्र और व्यापक हो उठी। तेबे तांकर परवर्ती रचना ही होची गोपी बिलाप। तो जो गोपी बिलाप यथाथरे गोपी बोली नाम परिचित होगा कथा बोली आलोचक मैंने कही, मात्र ग्रंथावली यह प्रामाणिक भाव में गोपी बिलाप शीर्षक बहन करें कहीं ब्रजनाथ ग्रंथटीर शेष लिखुं नाना जाति नियम नाना रसे केते छंद मान कलिहर से तो सबुरी नुहिला बोधक परमार्थरे नुहिला साधक एही घेनी कृतार्थ हेबी बोली देश भाषा रे बोइलिए बोली। तो तथाकथित तो जो गोपी बिलाप छ गोटी बोलीर समवाय रे रचना होता आउ एथिरे रचना शिल्पर चमत्कारिता से भली प्रकटित हो नथिले हे सरल सहज वचन विन्यास रे नाटकीय घटनावली हृदय रीति में आम वर्णना है। तेज विषय जी आम देखा तेल रति लोलीप कृष्ण श्याम सुहागिनी गोपिकांकर गोपन प्रीति लीला एथर उपजीव्य विषय। तेज यार भाषा और भाव प्रकाश भंगी आमको ग्राम्य भाया देखापी मिलता है। तेज से आद्यू जनाऊंट कौन बा कवि लिखुं मोर कथार बोलिए बोली दोष नदेव देश भाषा बोली। तो देश भाषा आम पूर्व भी आलोचना कर बहु कवि दिव्य दिव्य भाषार प्रयोग करस भाषार किसी प्रयोग आमको देखा मिली। तो यह लिखुं निजर बोली आद्यर तापर विषय जदि आम देखुं तेल कंसर जो आमंत्रण कर्मे कृष्ण मथुरा को जाती कृष्ण नाश कंस नाश होबा परे मध्य गोपपुर को कृष्ण आ फेरी नहांती। तांक विरह रे गोपिका वृंद अति मन दुखरे काल कटाउछंती। तबे से दिन रे आकाश जन होइंची रसकला प्रीतिशिला कमला प्रियवती रसवती और श्यामला ए छटी सखी सांग होई कोनो ना चुन्न धौल अगणार बसिछंती। दुख सुख हे हो कृष्णंक सहित किए किपरि संग सुख पाइथिला परस्पर कुहाकुही होउछंती। तबे किए जमुना जल आणवाक जाए कृष्णंक अनुनय विनय बसीभूत होइकी निकुंज उपवन में सहित जाए रतिरंग में मातिबापर स्वामी ठारे धरा पड़िकी कृष्णंक चतुरता बल रक्षा पाई तो अन्य केही निज शयन प्रकोष्ठ में निषाधर कृष्णंक निबिड़ सानिध्य प्रमता थिला बेले दुर्दशी शाशु हाबुड़ कृष्णंक जो मुक्ति पाइबा संगे संगे परिस्थितिर परिवर्तन घटिबारो आपणार महत्व बढ़ाइथिबा प्रसंग द्विधाहीन चित्तर वर्णना करिछंती। तो एइभळी छ जनंकर कृष्ण प्रीतिमूलक अनुभूति विशेषतः सुरतिमूलक जो क्रियाकलापर पुलक भरा स्मृति छटी जाक बोली रे अकृत्रिम वाचन भंगी प्रकाश लाभ करिछि। तेबे श्रृंगारिक लीला विलासर अनवगुंठित वर्णना से काल लोक साहित्यर शैलीर अनुमोदन लाभ करथिबारु ब्रजनाथ संज्ञान चित्तरे एइभळी लोकप्रिय कृष्ण लीलात्मक अर्थ रचना करथिबार मने हिथाय। तेबे तुलनात्मक दृष्टि जदि आम विचार करवा तेबे उपेन्द्र भंजंक नाम प्रचलित बजार बोली ठारु ब्रजनाथंकर गोपी बोली रो भाषा भाव और प्रकाशभंगी तथा आदिरसर उत्कटता सत्वे भव्य और मार्जित सोहनीय बोध होइथाय। वास्तव सांसारिक जीवन अनुभूति को वैष्णवीय प्रीतिरस जड़ित करी जेते गुड़िए बोली कविता सृष्टि लाभ करछि ब्रजनाथंकर एही गोपी बोली विषय विन्यास और वचन भंगी दृष्टि विशिष्टता व्यंजित। तेबे ओडिसार जेकोणसी पल्लीग्रामर कुलबधूर शाशु स्वामी ननंद प्रभावित दैनंदिन जीवनधारार प्राणवंत आलेख्य गोपी बिलापरे पल्ली भाषा ही अभिव्यक्ति लाभ करिछि। तो यही होची तांकर कौन ना गोपी बिलाप बा हुए पार तो गोपी बोलिया को नामकरण कौ कौ जगह तुम्हें पाइब तो तार विषय वस्तु। तो आज आम देखिले कौन
ନା ବ୍ରଜନାଥଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ବା ବ୍ରଜନାଥଙ୍କର ସାହିତ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ବିଷୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅମ୍ବିକା ବିଳାସ ରହିଲା, ସମର ତରଙ୍ଗ ରହିଲା, ହିନ୍ଦୀ ରଚନା ଗୁଣ୍ଡିଚା ବିଜେ, ତଥା ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରଚନା ଯାହାକି ରହିଛି ଚତୁର ବିନୋଦ, ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଲୋଚନାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ, ତଥା ପେଡ଼୍ କ୍ଲାସେସ୍ କିମ୍ବା ଯଦି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଖାଲି ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ସେଇଠି ଆମ ସହିତ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତେବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଉପଯୋଗୀ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ।